व्हाट्स अप एवरी वन, वेलकम टू नोट्स। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम लोग बेसिकली नेस्ट जेएस के प्रोवाइडर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेस्ट जेएस के प्रोवाइडर्स का जो मेन डेफिनेशन है वो बेसिकली ये है कि एनी थिंग विच कैन बी इंजेक्टेड एज एन डिपेंडेंसी इज कॉल्ड प्रोवाइडर, ठीक है। वो चीज़ जो एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जाए वो प्रोवाइडर कहलाती है, ठीक है। अब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन करूँगा एक डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, फिलहाल प्रोवाइडर्स को जो है ना थोड़ा इसकी डॉक्यूमेंटेशन को होल्ड पर डालकर हम कोर्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। कोर्ट की तरफ जाकर हम थोड़ा सा जो है ना अब देख सकते हैं कि मैंने वही पुरानी एप्लीकेशन खोली हुई जहाँ पर उन्होंने लीव किया था बुक कंट्रोलर पर, और हम यहाँ पर आकर कुछ जो है ना डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है मेरे पास, सिनेरियो ये है कि मेरे पास ये बुक का कंट्रोलर बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर मैंने बुक को ऐड करवाना है, बुक को डिलीट करवाना है, ठीक है, अपडेट भी करवाना है, फाइंड भी करवाना है और सारे सिनेरियो। लास्ट टाइम लोगों ने स्ट्रिंग रिटर्न की थी, ठीक है। अब लेट सपोज कर एज्यूम करें कि अगर मैं सारा काम इस कंट्रोलर के अंदर करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, सारा काम इस कंट्रोल के अंदर स्टार्ट करना शुरू कर दूं, तो ये कंट्रोल बहुत बल्की हो जाएगा। बल्की का मतलब ये है कि सारा कोड यहाँ पर जो है ना वन बाय स्टेप जो है ना यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सारा कोड जब यहाँ आना शुरू हो जाएगा तो मेरे लिए एप्लीकेशन को डिबग करना या उसके अंदर से एरर रिजॉल्व करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आप बेसिकली इसको कोड को सेपरेट कर दूँ, या सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें हम कोड को सेपरेट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज करें मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर जाता हूँ, ठीक है। उस नई फाइल को लेट सपोज करें मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है बुक डॉट सर्विस डॉट टी एस, ठीक है। ये मेरे पास एक बुक की सर्विस है जिसका काम क्या होगा, जो बुक को सिंपल ऐड अपडेट डिलीट करेगी और सिंपल डेटा लाकर किसको रिटर्न करेगी, कंट्रोलर को रिटर्न करेगी। बाय डिफॉल्ट तो हमने ये काम यहाँ किया था, लेकिन अब ये काम मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, सर्विस में लेके जाना चाह रहा हूँ, ताकि वो काम सेपरेट हो जो चीज़ें ऐड डिलीट अपडेट करने का है और कंट्रोलर का काम बेसिकली सेपरेट हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लेट सपोज करूँ यहाँ पर आकर मैं वही सिंपल काम करूँगा, मैं क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ एक्सपोर्ट क्लास, मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरी बुक की सर्विस है, और इसी तरीके से आकर हम वही मेथड्स मेंशन कर देते हैं कि ये ऐड भी करेगी एक बुक को, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से फिलहाल के लिए हम लोग कोई काम नहीं कर रहे तो हम स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे कि दिस विल ऐड बुक, ठीक है, तो ये बुक ऐड करेगा। इसी तरीके से हम अपडेट करेंगे बुक को, तो अपडेट बुक, और यहाँ पर भी मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दूँगा और हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, दिस विल अपडेट बुक, ठीक हो गया। और इसी तरीके से हम मेथड बना लेंगे डिलीट का बुक, और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी स्ट्रिंग रिटर्न करवा देंगे और हम रिटर्न कर देंगे दिस विल डिलीट बुक, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे फाइंड बुक, ठीक है, फाइंड बुक्स कर देंगे, मुझे मल्टीपल बुक्स चाहिए। यहाँ पर भी हम स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे और रिटर्न करवा देंगे कि दिस विल फाइंड ऑल बुक्स, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि मैंने सारे मेथड्स क्या कर दिया, एक अलग क्लास में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा यह हुआ कि जो सारी लॉजिक जो बुक को ऐड करने की, अपडेट करने की, डिलीट करने की या फाइंड करने की लॉजिक मैंने कंट्रोलर से हटा के अलग कर दी, तो अब ये मेरे पास सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गया कि मैंने वो कोड कहाँ कर दिया, कंट्रोलर से हटाकर उसको सेपरेट क्लास में ले गया, ठीक है। तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करते साथ ही अब क्या करूँगा, मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, मुझे कंट्रोलर के अंदर आना पड़ेगा, और कंट्रोलर के अंदर आते ही मुझे जो है ना बेसिकली इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे कोड हटा दूँगा, ये भी हटा दूँगा, ठीक है, ये भी हटा दूँगा, ये भी हटा दूँगा और ये भी हटा दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एरर थ्रो करने लग गया है एरर मेथड, क्योंकि हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे, ठीक है। इसका हल ये कि अब हम बेसिकली अपनी सर्विस जो हमने यहाँ पर बनाई है बुक सर्विस, वो हम इंजेक्ट करेंगे इसके अंदर, इंजेक्ट करेंगे मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करते साथ ही उसके थ्रू हम बेसिकली अपने कंट्रोलर्स को डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसका तरीका बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पर आकर एक पब्लिक करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नाम बैठ सपोज कर लेना बुक सर्विस, ठीक है, और यहाँ पर उसकी जो टाइप होगी वो होगी बुक सर्विस, ठीक है, इक्वल्स टू एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे बुक सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है बुक सर्विस का, और उसी के थ्रू हम रिटर्न रिटर्न करेंगे, ठीक है। मैं कर दूंगा रिटर्न दिस डॉट बुक सर्विस डॉट एड बुक, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करके हर जगह पेस्ट करके सिर्फ मेथड का नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डिलीट बुक, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा अपडेट बुक, और यहाँ पर उठाकर पेस्ट करूँगा तो ये हो जाएगा फाइंड ऑल बुक्स, ठीक है,
फाइंड बुक्स, और इसी तरीके से यहाँ पर अच्छा फाइंड बाय आईडी का मेथड मेरे ख्याल मैंने सर्विस के अंदर नहीं लिखा, तो फिलहाल के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मेरा कोड काफ़ी नीस जो है ना वो नाइस भी हो गया और क्लीन भी हो गया, साफ़ सुथरा हो गया, ठीक है। सिंपल क्या हो गया, अब मुझे लेट सपोज करें अगर डीबग करना है कि एड बुक में क्या मसला आ रहा है, तो मैं मुझे पता है कि ये काम मुझे कहाँ मिलेगा, ये बुक की सर्विस के अंदर मिलेगा इस मेथड के अंदर यहाँ पर आकर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब कोड सेपरेट हो गया, इजी टू यूज़ हो गया, मतलब स्ट्रक्चर होना शुरू हो गया, जो बेसिकली नेस्ट चेस का मेन एजेंडा था। लेकिन इस एक चीज़ का एक बहुत बड़ा फॉल बैक है, फॉल बैक और नुकसान बेसिकली इस चीज़ का ये है कि जब भी मुझे कोई डिफरेंट कंट्रोलर बनाना है, मुझे बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट सपोज़ करें अभी मेरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक बुक कंट्रोलर है, लेकिन लेट सपोज़ करें कि मैं यूज़र का कंट्रोलर बनाता हूँ जहाँ पर मैं यूज़र्स को सेव करवा रहा हूँ, और लेट सपोज़ करें कि मैं कोई और कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ जहाँ पर हमारे पास कुछ अकाउंट हैं, कुछ हमारे पास एकेडमिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत से डिफरेंट कंट्रोलर्स के लिए मुझे हर जगह जाकर उन सर्विस के लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है यहाँ पर, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल बैक एक एप्लीकेशन के लिए कि यार हर कंट्रोलर की रिक्वेस्ट के लिए एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट और ज़रूरत बेसिकली पड़ती है, वो पड़ती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन की, कि यार ये काम जो है ना, ये काम मैं क्यों करूँ कि बार बार मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़े, ये काम अगर मैं हर जगह करने लग गया तो हर दफ़ा क्या होगा कि हर रिक्वेस्ट के ऊपर नए ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे और वो मेरी मेमोरी कंज्यूम करते रहेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को रिमूव करने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट को जो जिस कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने वर्किंग की थी वो कहलाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होती क्या है और किस तरीके से हम नेस्ट चेस के अंदर इसको जो है ना वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नेस्ट चेस क्या है, उसके जो प्रोवाइडर्स बेसिकली जो प्रोवाइडर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या, एनी थिंग विच कैन बी इंजेक्टेड एज एन डिपेंडेंसी, ठीक है। तो नेस्ट ने क्या कहा, नेस्ट ने कहा कि यार आप एक काम करो, आप कोई भी सर्विस क्रिएट करो या कोई भी क्लास क्रिएट करो, अगर आप चाह रहे हो कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको हर जगह मिले तो आप उसको एज अ प्रोवाइडर रजिस्टर कर दो मेरे पास। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो वो रजिस्ट्रेशन होती है थ्रू एट द रेट इंजेक्टेबल। उन्होंने कहा है कि ये एनोटेशन आप मुझे प्रोवाइड कर दो, ठीक है, एट द रेट इंजेक्टेबल के एनोटेशन आप ऊपर मुझे प्रोवाइड कर दो, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट अपने पास बना के रख लूँगा और आपको हर जगह प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और आप इस क्लास को आप बेसिकली थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि अभी हमने जो सर्विस क्रिएट की है, हम सिंपल यहाँ पर आते हैं और इसको मैं थोड़ा एक नीचे कर इसके ऊपर एट द रेट इंजेक्टेबल की एनोटेशन लगा देता हूँ, ठीक है। और एनोटेशन लगाते साथ ही इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब इंजेक्टेबल तो मैंने लगा लिया, मैंने नेस्ट चेस को बता दिया कि मेरे भाई मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट हर जगह चाहिए, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इस्तेमाल कैसे करूँगा, उसका तरीका क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा है कि इसने एट द रेट इंजेक्टेबल की एनोटेशन लगा दी, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने जाकर सिंपल कंस्ट्रक्टर के अंदर जाकर उस सर्विस को लिखा है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सिंपल उसने उस सर्विस को यहाँ पर इंजेक्ट किया कंस्ट्रक्टर के अंदर और इस्तेमाल कर लिया, दैट्स इट, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम भी ये करके देख लेते हैं, हम दोबारा जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर और मैं इस इंस्टेंस को हटा दूँगा यहाँ से, और यहाँ पर आकर हमें कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाते ही मैं इसको कर दूँगा प्राइवेट, ठीक है, और नाम दे देंगे हम बुक सर्विस और टाइप है बुक सर्विस और इसी तरीके से नया कॉल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पहले जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट का, अब मुझे उस इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। मैंने सिंपल क्या किया, सर्विस को इंजेक्ट किया कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब तो हम उसको सेव कर लेते हैं और ये APIs दोबारा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, ठीक है। तो मैं दोबारा ज़रा अपना बुक सर्विस और मैं ज़रा इंटीग्रेटर टर्मिनल खोल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन नहीं चल रही, तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। कमांड 3 npm रन स्टार्ट dev, ठीक है। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि सारी फाइलें सेव हो गई है कि नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से तकरीबन सारी फाइलें ही सेव्ड हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अब मेरे पास क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग कंपाइलेशन इन वॉच मोड, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है मेरे पास, ठीक है। फाउंड जीरो एरर, कोई एरर नहीं मिला इसको, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ओके, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर गई, ठीक है। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आ रहा है, आपके पास एरर जो बेसिकली आ रहा है वो ये आ रहा है कि नेस्ट कैन रिजॉल्व डिपेंडेंसीज ऑफ बुक कंट्रोलर, प्लीज़ मेक श्योर आर्ग्यूमेंट ऑफ बुक सर्विस एट इंडेक्स जीरो इज़ अवेलेबल इन द राउट मॉड्यूल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अगेन नेस्ट जेएस का वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपने मुझे ये तो बता दिया कि यार
ये मेरे पास एक इंजेक्टेबल सर्विस है, ये सर्विस को मैं कौन इंजेक्ट करके देगा, नेस्टचेस इंजेक्ट करके देगा। आपने डेकोरेटर तो लगा दिया है, लेकिन अगेन हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं हमें सबसे पहले क्या है उस मॉड्यूल को बताना पड़ता है, उस मॉड्यूल में वो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है कि यार ये काम मैंने किया है इसको अपने पास ला के रख लो। कि हमें जब हम कंट्रोल बनाते हैं तब हम मॉड्यूल को बताते हैं, जब हम मॉड्यूल बनाते हैं तब भी हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि हमने सर्विस तो क्रिएट कर ली है, इंजेक्टेबल सर्विस जो मेरी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, लेकिन उसको हमने अब तक बताया नहीं मॉड्यूल को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट मॉड्यूल के अंदर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मेरे पास प्रोवाइडर्स का एरे ऑटोमेटिकली बना हुआ है। सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आकर लिखना पड़ेगा बुक सर्विस। ठीक है, और ये बेसिकली एरे नेस्ट को बताएगा कि यार मैंने एक बुक सर्विस रजिस्टर की है जिसके ऊपर एट द रेट इंजेक्टेबल का डेकोरेटर है और जिसका ऑब्जेक्ट नेस्ट जे एस खुद बना के अपने पास रखेगा और जहाँ मैं उसे इंजेक्ट करना चाह रहा हूँ मुझे वो वहाँ पर लाकर देगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ और सेव करते साथ ही हम दोबारा टर्मिनल खोल लेते हैं और चेक करते हैं एप्लीकेशन दोबारा रिस्टार्ट हो रही है और आप देख सकते हैं कि तमाम एरर्स मेरे पास जा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम ज़रा इसकी API टेस्टिंग कर लेते हैं। API टेस्टिंग के लिए मैं अपना थंडर क्लाइंट खोल लेता हूँ दोबारा और हम न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। न्यू रिक्वेस्ट क्लिक करते साथ ही हम दोबारा HTTP ठीक है /local/host/port/3000/book/add एड की रिक्वेस्ट पोस्ट की होगी तो हम इसको पोस्ट पे करके हिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दिस विल ऐड बुक। ठीक है, इसी तरीके से हम सारी APIs टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास डिलीट की थी और ये डिलीट की रिक्वेस्ट बेसिकली डिलीट की होगी। ठीक है, दिस विल डिलीट बुक। इसी तरीके से हमारे पास फाइंड ऑल थी शायद जो बेसिकली गेट की रिक्वेस्ट थी और ये फाइंड ऑल बुक्स आ गया और बाकी थी अपडेट की। ठीक है, जो बेसिकली क्या थी पुट की रिक्वेस्ट थी। ठीक है, दिस विल अपडेट बुक्स। तो सारी APIs मेरे पास परफेक्टली काम कर रही हैं। तो जब आप दोबारा यहाँ पर आकर देखें हमारे पास बुक सर्विस के अंदर, तो अब ये सारी जो लॉजिक है मैंने कहाँ इंप्लीमेंट कर दी, सर्विस के अंदर इंप्लीमेंट कर दी है। ठीक है, और कंट्रोलर के अंदर मैंने वो सर्विस यहाँ पर, अगर आप देखें कंट्रोलर के अंदर, तो मैंने कंट्रोलर के अंदर आकर वो सर्विस यहाँ पर इंजेक्ट कर दी कंस्ट्रक्टर के अंदर। मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, इसका ऑब्जेक्ट मुझे किसने प्रोवाइड किया है, मुझे प्रोवाइड किया है नेस्ट जेएस ने। मैं यहाँ पर कॉमेंट लिख देता हूँ कि नेस्ट जेएस हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट किसने लाके दिया है, मुझे नेस्ट जेएस ने लाके दिया है। ठीक है, और नेस्ट जेएस ने, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को बताने के लिए कि यार ये मेरे पास एक इंजेक्टेबल प्रोवाइडर है, मैंने मुझे बेसिकली रूट मॉड्यूल के अंदर जाकर उसे बताना पड़ा कि यार ये मेरे पास एक प्रोवाइडर है, इसको अपने पास रजिस्टर करो और रजिस्टर करते साथ ही अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखो और जहाँ मैं उस ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करूँगा ये तुम्हारा काम होगा कि मुझे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लाकर वहाँ पर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली प्रोवाइडर्स का, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में, जो बेसिकली स्प्रिंग बूट है जावा के उससे आए हुए बैकग्राउंड से, वो लोग बेसिकली इसको सर्विसेज कहते हैं, लेकिन नेस्ट जेएस की दुनिया में ये बेसिकली प्रोवाइडर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने नाम बेसिकली बुक सर्विस इसलिए रखा था ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए कि सर्विसेज हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। सर्विसेज बेसिकली सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के लिए होती हैं और नेस्ट जेएस में जो बेसिकली प्रोवाइडर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वो बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन का है। जो भी चीज़ आप प्रोवाइडर में रजिस्टर करेंगे नेस्ट जेएस उसका ऑब्जेक्ट अपने पास बना के रख लेगा और जहाँ पर आप उसको कहेंगे वो आपको वहाँ पर लाकर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करके ला के दे देगा। जिस तरह मुझे कंट्रोलर में रिक्वायरमेंट थी तो मैंने सिंपल उसका जो है ना वो इंस्टेंस यहाँ पे रखा, तो मुझे नेस्ट जेएस ने बेसिकली ला कर वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली नेस्ट जेएस के प्रोवाइडर्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप फर्दर जो है ना और भी स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन में देख सकते हैं आप इस तरीके से हमने बेसिकली इसमें सर्विस इंजेक्ट की थी। उसके बहुत सारे स्कोप्स भी हैं, कस्टम प्रोवाइडर्स भी हैं, तो आप इनको जाकर इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं नेस्ट जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। Thanks for watching.